हेलो दोस्तों, मैं आदित्य प्रताप सिंह लेकर आया हूँ आपके लिए फिजिकल ज्योग्राफी का तीसरा लेक्चर, ओरिजिन ऑफ अर्थ। इसमें हम आगे की थ्योरी देखेंगे, कौन कौन सी आगे थ्योरी है जो ओरिजिन ऑफ अर्थ को एक्सप्लेन करती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों हम लेक्चर से एक कोटेशन से। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो इस मोटिवेशनल कोट में शिव खेड़ा जी ने बताया है, जीतने वाले और हारने वाले में क्या अंतर होता है। जीतने वाले व्यक्ति हमेशा अपने काम को डेडिकेशन के साथ में अलग एफर्ट डाल के और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के साथ करते हैं, किंतु एक हारने वाला व्यक्ति अपने पुराने ढर्रे पे ही काम करना पसंद करता है। तो दोस्तों, अगर हमें भी जीतना होगा तो हमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखनी ही होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लेक्चर की। दोस्तों, हमने पुराने लेक्चर में देखा, दूसरे लेक्चर में देखा कि कांट की थ्योरी ने कैसे एक्सप्लेन करा था ओरिजिन ऑफ अर्थ के, हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ है। अब हम देखेंगे नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास में किस तरह के लाप्लास ने समझाया है कि हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, लाप्लास ने जो ये नेबुलर थ्योरी दी थी, ये सन 1796 में इनकी जो एक बुक निकली थी एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, उसमें लिखी थी। दोस्तों, ये जो थ्योरी है ये किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पे नहीं है, जबकि इन्होंने केवल लॉजिक बेस पे ये थ्योरी दी है। लाप्लास ने बताया कि कांट की थ्योरी में कौन से तीन डिफेक्ट थे जो उन्होंने सही करने की कोशिश करी है। दोस्तों, पहला डिफेक्ट जो कांट की थ्योरी में गलत था वो ये था कि उन्होंने ये बताया कि कोलिजन से जो कोल्ड पार्टिकल के अंदर उन्होंने हीट जनरेशन का बताया, ये एक बहुत ही लार्ज अमाउंट में इतना हीट जनरेशन होना पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। फिर दूसरा लाप्लास ने बताया डिफेक्ट कि म्यूचुअल कोलिजन ऑफ पार्टिकल कैन नॉट जनरेट मोशन इन द प्रीमोर्डियल मैटर इन रेंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट जनरेट सर्कुलर मोशन रोटेटरी मोशन इन द प्रीमोर्डियल मैटर। मतलब उन्होंने बताया कि जो रेंडम आपस में कोलिजन पार्टिकल कर रहे हैं, ये किसी भी तरीके से एक रोटेटरी मोशन को जनरेट नहीं कर सकते, जैसा कि कांट की थ्योरी में बताया गया था। दोस्तों, तीसरा उन्होंने ये बताया कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटरी स्पीड ऑफ द नेबुला कैन नॉट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ नेबुला। जैसा हमने पिछले लेक्चर में बताया है, न्यूटन के एंगुलर मोमेंट के कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से अगर किसी की साइज़ बढ़ रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है साइज़ के हिसाब से। तो तीसरी थ्योरी को भी उन्होंने बताया कि ये एक पॉसिबल नहीं है। नेबुला कैन नॉट इंक्रीज, स्पीड ऑफ नेबुला कैन नॉट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज़ ऑफ नेबुला। अगर उसकी नेबुला की साइज़ बढ़ रही है तो उसकी स्पीड बढ़ ही नहीं सकती, ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। उसकी स्पीड कम होना चाहिए बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम जो लाप्लास ने अपनी थ्योरी दी उसमें क्या क्या उन्होंने अजम्पशन लिए। पहली बात तो उन्होंने पहला अजम्पशन ये लिया कि यूज्ड इन हॉट गैसेस नेबुला, जो उनका एक नेबुला था वो पहले से ही गैस का बना हुआ बादल था जो कि बहुत ही गर्म था। इन द स्पेस डज नॉट हैव डज ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हीट ऑफ द, मतलब इस प्रकार से उन्होंने जो हीट की प्रॉब्लम थी उसको ये अजम्पशन मानकर सॉल्व कर लिया। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यूज एंड हॉट नेबुला वॉज रोटेटिंग स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस। दूसरा उन्होंने अजम्पशन लिया कि जो नेबुला है ये है हॉट गैसेज का, ये अपनी एक्सिस पर अपनी धुरी पर पहले से ही घूम रहा है। ये उन्होंने पहले ही अज्यूम कर लिया जो कि कांट की थ्योरी में अज्यूम नहीं किया गया था। मतलब अगर हम देखें ओवरऑल तो केवल ये एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कांट थ्योरी बोल सकते हैं इसे हम। द नेबुला वॉज कंटिन्यूसली रोटेटिंग ड्यू टू लॉस ऑफ हीट फ्रॉम इट्स आउटर सरफेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन एंड डज इट वॉज कंटिन्यूसली रिड्यूसिंग इन साइज ड्यू टू कंट्रेक्शन ऑन कूलिंग। तो ये तीसरे अजम्पशन में इन्होंने ये बताया कि जो कूलिंग हो रही थी एक रेडिएशन के कारण हो रही थी, और ये जो इसकी नेबुला की आउटर सरफेस है उस पर रेडिएशन हो रहा था तो उसकी आउटर लेयर जो है वो धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी और इस कारण से उसका साइज़ रिड्यूस भी होता जा रहा था। दोस्तों,
तो जैसा कि लाप्लास ने अपने अजम्पशन लेकर बताया, तो हम ये देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से एक सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन को पॉसिबल करा। एज द साइज ऑफ नेबुला कंटिन्यू डिक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ रोटेटरी मोशन इज इंक्रीजिंग, मतलब जैसे जैसे इस नेबुला का साइज कम होता जा रहा था उसकी रोटेटरी मोशन इंक्रीज हो रही थी, जैसा कि हमने न्यूटन के एंगुलर कंजर्वेशन मोमेंटम के लॉ के अनुसार समझा। अगर किसी रोटेटिंग बॉडी की अगर साइज कम होगी तो उसकी स्पीड रोटेटिंग स्पीड बढ़ेगी। अब देखते हैं हम, नेबुला स्टार्टेड स्पिनिंग वेरी फास्ट स्पीड, मतलब ये नेबुला जो था ये धीरे धीरे एकदम बहुत तेजी से घूमने लग गया। और क्या हुआ उसमें कि जो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसके सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको अंदर की ओर बांधे रख रहा था उससे भी ज़्यादा बढ़ गया, और एक इसमें से आउटर लेयर जो थी वो आपस में टूटकर बिखर गई। चूँकि ये जो आउटर लेयर थी इसमें से रेडिएशन हो रहा था और ये कूल भी हो चुकी थी, तो ये इसकी जो सेंटर लेयर है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगी, और जो आउटर लेयर थी वो अलग अलग रिंग में टूट गई, ये नो नो रिंग में टूट गई। पहले उन्होंने बताया था कि ये एक ही रिंग में टूटी, पर लेकिन कूलिंग के कारण ये आपस में अलग अलग हो गई। आइए देख लेते, एक बार आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ ये किस टाइप से हो। देखो लाप्लास ने जो बताया कि यहाँ पर एक गैस का बादल था जो कि पहले से ही यहाँ पे एक गैस का बादल है जो कि पहले से ही हॉट भी है और अपनी एक्सिस पे, अपनी ये एक्सिस है इस पे रोटेटरी मोशन भी कर रहा है। तो इन्होंने बताया कि जब ये मोशन कर रहा था तो इसका क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी जो आउटर लेयर थी वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगी, अंदर जाने लगी, और ये रेडिएशन के कारण यहाँ से हीट एनर्जी बाहर निकलने लगी। उस कारण क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पे जो अब इनका बाहर बाहर वाली लेयर ये जो थी ये धीरे धीरे कूल होने लगी, और ये आपस में इससे इसकी स्पीड इतनी बढ़ गई आपस में घूमने की यहाँ पे, कि ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स था इसका जो इसे अंदर बांधे रख रहा था वो कमज़ोर हो गया, और ये वाली जो आउटर रिंग थी इससे दूर हट गई, एक ये यहाँ से यहाँ तक एक रिंग अलग हो गई। अब चूंकि ये वाली जो रिंग है ये कूल हो चुकी थी इसलिए ये आपस में अलग अलग हिस्सों में बट गई, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये अलग अलग नौ ग्रह का फॉर्मेशन हुआ। अब इसी के हिसाब से देखा जाए तो अगर इसी को वापस से हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इससे जो ग्रह हैं उनके सैटेलाइट का भी निर्माण हुआ। तो दोस्तों हमने देखा किस तरह से लाप्लास के माध्यम से ये सैटेलाइट का निर्माण भी हुआ। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि जो इस थ्योरी के कारण इवेल्युएशन करेंगे इसका हम। तो दोस्तों ये थ्योरी इतनी सिंपल थी और कि इसको 150 सालों तक रिकॉग्नाइज किया गया, और इसको जो है ये एक्सप्लेन करती कि जो सॉलिड क्रस्ट बना है अपनी पृथ्वी का उसको भी ये सही तरीके से एक्सप्लेन करती है। जैसा कि उसमें बताया गया कि पृथ्वी जो है एक पहले गैस का गोला था और धीरे धीरे ये ठंडा होने लगा, आउटर क्रस्ट इससे धीरे वहाँ पे से रेडिएशन के कारण जल्दी ठंडी हो गई, जबकि इनर कोर जो हमारा था वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। तो दोस्तों इससे हमारा जो सॉलिड पार्ट है आउटर क्रस्ट का वो निर्मित हुआ, ये थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है इस बात को। लेकिन दोस्तों इसके साथ में ही यहाँ पे लाप्लास की थ्योरी में भी कुछ ऐसे डिफेक्ट हैं जो कि कुछ बातों को सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं करते, जिसे कि हम देखेंगे दोस्तों। इट डज नॉट डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ नेबुलस हीट एंड रोटेशन। जो लाप्लास की थ्योरी में बताया गया कि जो एक नेबुला रहेगा वो रोटेटरी मोशन कर रहा है और पहले से ही गर्म है, तो इन्होंने सोर्स नहीं बताया कि ये सोर्स इसका क्या है हीट का, या इसका रोटेशन है तो ये रोटेशन ही क्यों कर रहा है स्टार्टिंग से। अब दूसरी बात इन्होंने बताया कि इसमें 9 रिंग अलग अलग बनी, उस जो एक सिंगल रिंग इससे डिपार्ट हुई थी उसके बाद में, तो ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि 9 रिंग ही क्यों बनी इसमें, इससे ज़्यादा भी तो बन सकती है इससे कम भी तो बन सकती,
और अभी हम आगे देखेंगे कि ये कंटिन्यूस भी तो एक रिंग हो सकती है। तो दोस्तों इसमें तीसरा बताया कि द स्मॉल डिग्री ऑफ कोहिजन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द नेबुलर वुड मेक द फॉर्मेशन ऑफ रिंग अ कंटिन्यूस नॉट एन इंटरमिटेंट प्रोसेस एज द थ्योरी रिक्वायर। मतलब जो एक इसमें एक रिंग बनना चाहिए वो रिंग दोस्तों एक कंटिन्यूस बनना चाहिए, ना कि इसे इंटरमिटेंट जैसा कि थ्योरी में बताया गया है अलग अलग। तो दोस्तों अब देखेंगे हम, सन शुड हैव अ स्मॉल बल्ज अराउंड इट्स मिडिल। जो चूँकि दोस्तों ये सन में से ये सन था, अब इसके यहाँ से एक रिंग, यहाँ से एक रिंग अपार्ट हुई है, तो इसको इसका सन का शेप जो है कुछ ऐसा एक हल्का सा उभार होना चाहिए था यहाँ पे इसके दोनों साइड पे, जो कि अभी प्रेजेंट में हमें सन की स्टडी करने पर नहीं पाया जाता है। तो इस थ्योरी की ये डिफेक्ट है, ये दोस्तों बताता है कि ये जो थ्योरी है इसमें भी कुछ इरेगुलरिटी है। लिक्विड स्टेट इन देयर इनिशियल स्टेज, जो प्लैनेट हैं दोस्तों इसके जो प्लैनेट, इसमें बताया गया है कि एक प्लैनेट बना जो स्टार्टिंग में गैसियस स्टेज में था, फिर धीरे धीरे लिक्विड स्टेटस में आ गया, पर इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है दोस्तों कि रोटेटरी मोशन है डिफरेंट लेयर का इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल। सन के जो आपस में ये रोटेटरी मोशन करा तो ये इक्वल नहीं है, तो आप इसको किसी प्रकार एक्सप्लेन कर रहे हैं ये इसमें सही ढंग से नहीं बताया गया। अब आखिरी में उन्होंने बोला कि ऑल सेटेलाइट शुड रिवॉल्व इन द डायरेक्शन ऑफ देयर फादर प्लानट, जैसा कि इसमें बताया कि सेटेलाइट भी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो जिस प्रकार एक सन से प्लानट बना है और उसी प्रकार एक प्लानट से एक सेटेलाइट बना है। तो जिस प्रकार हम देखेंगे कि प्लानट का रोटेशन है, उसी रोटेशन में उसके सेटेलाइट का रोटेशन भी होना चाहिए। किंतु दोस्तों ये देखा गया है कि कुछ सेटेलाइट ऐसे भी हैं जो अपने फादर प्लानट के विपरीत दिशा में रोटेशन कर रहे हैं, तो इसमें इस बात को भी पूरी तरीके से सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं लाप्लास जी। आखिरी में हम देखेंगे कि जो लाप्लास ने बताया है कि उनका नेबुला से पूरा जो सिस्टम है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है और इसमें टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना था। चूँकि इसमें क्या हुआ दोस्तों, जब एक सन है और उसमें आपस में अलग अलग रिंग बन रही है, तो यहाँ पे 99% सन के पास एंगुलर मोमेंट होना था और 0.1% आउटर स्पेस में होना था, लेकिन हम रियल में जो देखते हैं वो 99% एंगुलर मोमेंटम होता है आउटर स्पेस में और 1% रहता है सन के पास में। तो ये इस बात को भी एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन करने में असफल रही है थ्योरी। दोस्तों अब हम देखेंगे प्लेनेटी स्मॉल हाइपोथेसिस ऑफ चेम्बरलिन। इसमें टीसी चेम्बरलिन और फॉरेस्ट रे मोल्टन ने बताया कि जो ये 1905 में ये थ्योरी दिए, अभी तक जितने भी हमने कॉन्सेप्ट देखे वो मोनोइस्टिक थे, मतलब उसमें केवल एक ही हेवनली बॉडी को डिस्क्राइब करा था, लेकिन ये जो एक हाइपोथेसिस है इसमें दोस्तों ये बाई पेरेंटल कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट को इसमें इंट्रोड्यूस करा है। इसमें ये बताया गया कि जो ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम हुआ है वो हमारा एक बॉडी से नहीं हुआ बल्कि टू हेवनली बॉडी से हुआ है। इसमें हमने दो हेवनली बॉडी को ये चेम्बरलिन की हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करती है। उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक दो स्टार थे, एक कोल्ड स्टार था जिसे हम प्रोटोसन भी कहते हैं और एक इंट्रूडिंग स्टार या कंपेनियन स्टार था। अब इसमें जो चेम्बरलिन की हाइपोथेसिस है दोस्तों उसमें बताया है कि एक प्रोटो स्टार था वो अपनी जगह पर ही था स्मॉल पार्ट, और एक इंट्रूडिंग स्टार उसके पास आया और उसकी जो इंट्रूडिंग स्टार है उसकी ग्रेविटी के कारण, जो प्रोटो स्टार की ग्रेविटी के कारण इसके स्मॉल पार्टिकल बहुत सारे इसके आसपास घूमने लग गए। तो दोस्तों चेम्बरलिन ने जो ये स्मॉल पार्टिकल है इनको ही नाम दिया है प्लेनेटी स्मॉल। और अब दोस्तों हम ये वाली थ्योरी जो है अगले लेक्चर में जल्द ही कवर करने की कोशिश करते हैं। आज का लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो एंड लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फॉर लिसनिंग।